कन्या राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले चार दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में एक भयानक घटना घटने वाली है, सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह घटना इतना महत्वपूर्ण और आप सभी के लिए भाग्यशाली है कि यह आपके जीवन को बदलकर रख देगा। बस आप इसे अनदेखा न करें और आज के इस वीडियो को अकेले में देखना, क्योंकि बहुत बड़ी राज की बात है ये। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों आप यकीन, हमारी माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में बड़े ही चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाली विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपका हर बुरे वक्त में साथ दें और आपकी हर मनोकामना पूरी करें। प्यारे दोस्तों, ब्रह्मा का लिखा सच होने वाला है। अगले 24 घंटे में आपकी जिंदगी में एक ऐसी अनिष्ट घटना होने वाली है जिससे आप सह नहीं पाएंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यह बेहद ही विनाशकारी घटना होगी और इसका दुष्परिणाम न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को भी सहन करना पड़ेगा। तो बेहतरी इसी में है कि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं और हमारे द्वारा दी जाने वाली बड़ी महाचेतावनी को गंभीरता से लेते हुए कुछ जरूरी उपाय और समाधान भी अवश्य कर लें, अन्यथा वही होगा जो ब्रह्मा ने आपके नसीब में लिख रखा है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। फिर बाद में मत कहना कि आपकी ही जिंदगी में ऐसे अनिष्ट क्यों होते हैं। प्यारे दोस्तों, बड़ी ही भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन्हें सतर्क करने वाले उनके आसपास होते हैं, अन्यथा लोगों के जीवन में कब क्या हो जाए किसी को कोई भनक तक नहीं लग पाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र और उसे जानने वाले लोग हमेशा दूसरों के हित में कार्य करते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप सतर्क हो जाएं। हम जो बातें आपको आगे ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं बेहद ही गंभीर हैं, आपकी जिंदगी में बड़ी ही प्रभावशाली ढंग से यह बातें कार्य करेंगे। बस आपको हर बात को गंभीरता से समझना है ये प्यारे दोस्तों का। तो अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य उठ रहा होगा, आखिर आपकी जीवन में ऐसी कौन सी विनाशकारी घटना होने जा रही है और इस घटना का कारण क्या है, क्यों यह केवल आपके ही जीवन में घटित होने वाली है। प्यारे दोस्तों, आपके इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब आगे हम ज्योतिष कार्यक्रम में देने वाले हैं। हम आपको बताने वाली है कि कौन सी ग्रहों की वही स्थिति है जो आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ सकती है। और प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें ये बेहद गुप्त बात है कि एक ऐसा समय आपकी जिंदगी में अगले 24 घंटों में आने वाला है जब आपके ऊपर सबसे पूरा समय आने वाला है। कहने का मतलब यह है कि इससे आप अपने जीवन का काला समय कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों कह सकते हो प्यारे दोस्तों? क्योंकि वह इस समय कुछ इस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा कि दुनिया भर की काली और नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो, कि अब जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करवाती हैं काली क्रियाओं में रुचि रखते हैं, वे अच्छी तरह से यह बात जानते हैं कि इस समय का उपयोग कैसे करना है, यानी कि आपको अधिक से अधिक नुकसान कैसे पहुंचाना है। अब ऐसे में यह भी हो सकता है कि आप अनजाने में ही अपने ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर बैठे। अब ऐसे में आप कैसे बच? ऐसी में आपको एक बात याद रखनी है कि हर वक्त नकारात्मक ऊर्जा आपको भेजे तो रखती है लेकिन भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती है, वह इंतजार करती है आपकी ग्रहों की स्थिति के बिगड़ने की, ग्रहों की कमजोर स्थिति का। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है आपके जीवन में, तो यह नकारात्मक शक्तियों आपके ऊपर हावी हो जाती है। इस विनाश लीला इन जीवन में होने लगती है। तो आप यकीन मानिए प्यारे दोस्तों के अगले 24 घंटे में एक विशिष्ट समय ऐसा बनेगा जब आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां पूर्ण रूप से हावी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति बेहद कमजोर होने जा रही है। एक विशिष्ट योग बन रहा है जिसका नाम सुनकर ही आप कहां जाएंगे, कौन सा है वह योग, सारी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब ऐसे में आपको ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखना होगा। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी और इतना गहरा अध्ययन कोई भी नहीं करता है।
हम आपके लिए दिन रात एक करके एक से स्क्रीन जानकारी से भरपूर ज्योतिष कार्यक्रम लाते रहते हैं। आपको हमारे यह ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखना होगा। अभी आपको वह अमूल्य ज्ञान का खजाना हाजिर होगा जिससे आप अपनी रक्षा भी कर पाए और अपने जीवन को सुंदर और स्वर्ग के समान आकर्षक भी बना पाएंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले मई को आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है, अन्यथा जीवन में कुछ भी हासिल कर पाना संभव नहीं है। माई के बिना तो से भी सबके समान होते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ जय मां दुर्गा कृपा करो। एक बार नहीं, तीन बार लिखना माई की, आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और माई ही आपकी हर एक दुख से रक्षा भी करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपना नाम, अपना स्थान और अपनी जीवन की मूल समस्या कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेज दें। शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति में हम आपके नाम से अयोध्या करवा देंगे और बा के दरबार में आपके नाम की अर्जी भी लगा देंगे। फिर आपके जीवन का हर एक कष्ट माई की जिम्मेदारी होगा। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे आप सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा करके आप हमारे और माही के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे उसमें कुछ और कुछ भाग आपको भी अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों का तू परिवार में होने वाली हर एक कार्य में कुछ ना कुछ भाग होता ही है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से यानी कि 8 से 10 दिनों से आपकी जिंदगी में नकारात्मक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, आपके हाथों से फैलती जा रही हैं। ये प्यारे दोस्तों, स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। धीरे धीरे आप चीजों से नियंत्रण खो रहे हैं, यानी कि बनी हुई बातें भी बिगड़ नहीं शुरू हो गई हैं। अब इस बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इससे पहले आपको सतर्क हो जाना अनिवार्य है। हम आपको बता दें प्यारे दोस्तों, के ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है। ऐसे में कुछ बेहद ही सुनहरे मौके मिलते हैं जिसमें कि आप सकारात्मक ऊर्जा ओं का भरपूर लाभ ले सकते हैं, और कुछ ऐसे अवसर भी बनते हैं जिनमें यदि आपने किसी कार्य की शुरुआत कर दी या किसी से जरा सी चर्चा भी कर दी तो वह भयंकर झगड़े का रूप ले लेगी और आपके बने हुए काम बिगाड़ डालेगी। प्यारे दोस्तों, आप बातें समझने की कोशिश करिए। आप अपने जीवन पर एक बार नजर डालकर देखिए आपने कितना संघर्ष किया है, और यीशु के झटके और कई बार जीवन में खींचतान और आत्मसम्मान की लड़ाइयां आपने डाली है। प्यारे दोस्तों, आप विचार करके देखें कि आपके जीवन में ही यह सब क्यों होता रहता है। क्यों आपके साथ ऐसा होता है कि जिन लोगों से आप बहुत प्रेम करते हैं उनके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं और करते भी हैं, वही लोग आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते पाई जाती हैं, आपके लिए बिल्कुल भी मन में प्रेम भाव नहीं रखते हैं, दिखाबाजी के लिए कुछ भी कर देते या कह देते हैं, लेकिन सच्चाई आपका दिल जानता है। और सबसे बड़ी बात प्यारे दोस्तों की, आपकी हर एक अच्छाई के पीछे लोगों को बुराई है क्यों दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी को सीधी सच्ची और अच्छी बात भी बोलेंगे तो लोग उसका उल्टा ही मतलब निकाल लेंगे। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि पूरी राशि चक्कर में एकमात्र ऐसी राशि है जिससे जीवन में बहुत संघर्ष देखना पड़ता है। अब हर इंसान का संघर्ष अलग तरह का होता है। यह आप समस्या हुई इंसान रुपए पैसे के लिए संघर्ष करता है, कोई सम्मान की लड़ाई लड़ता है, और कोई इंसान ऐसे होते हैं जो रिश्ते नातों में ही खींचतान का शिकार रहते हैं। तो हर एक असंगत अलग है, लेकिन संघर्ष आपके जीवन में कठोर अवश्य रहेगा, ये बात तो पक्की है। अब बात करें कामयाबी की। मानिए आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आप कितने कामयाब हो। दोस्त, हम आपको बता दें कि आपकी कामयाबी से कहीं अधिक अवसर होंगे कि आप नाकामयाब हो। क्या दोस्त, ईश्वर आपसे बहुत कठोर परिश्रम कराएंगे तब आपको बिल्कुल जरा सा ही उसका फल प्राप्त होगा। आपने कई बार जीवन में ऐसा देखा होगा कि जहां लोग थोड़ा सा प्रयास करके आगे बढ़ जाती हैं, इनमें ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं, वही आप कठोर परिश्रम करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
कई बार तो आपके हाथ में आई हुई कामयाबी भी आपके हाथों से फिसल जाती है। प्यारे दोस्तों, से इन सब बातों को हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं कि आपने अपने जीवन में यह बुरी घटनाएं निश्चित तौर पर देखी है, अनुभव की है। तो क्यों यह घटनाएं बार बार आपके जीवन में होती रहती हैं, तो हम आपको बता दें कि आपकी राशि के साथ ग्रहों का कुछ ऐसा मिलजुल बना रहता है कि जिसमें कि सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक योग बनते हैं। ऐसे में आपको हर एक रोग की जानकारी, हर एक ग्रह स्थिति की जानकारी होना आवे, तब आप इन नकारात्मक लोगों के बीच से किसी सकारात्मक आयोग का लाभ ले पाएंगे। ऐसे में हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वह आपकी राशि के अध्ययन के आधार पर ही दे रही है, तभी हम आपको बता पाते हैं कि अब यही योग बन रहा है, अब ऐसा योग बन रहा है, इसमें आप यह करिए वह करिए, सारी बातें उपाय सब विस्तार से आपको बताते हैं। ग्रहों की चाल के बारे में भी आपको बताते हैं। बस मानना या ना मानना यह आपके ऊपर है। आप मानेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगी। अब प्यारे दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी घटना बता देते हैं। एक हमारे मित्र हैं, जाने वाली कह सकती हैं। उनके घर में एक बड़ी समस्या थी। हम एक बार उनके घर में गए तो हमने देखा कि उनके घर में नैतिक और मैं ही बाहर के लिए दरवाजा खुला हुआ था और ठीक उसके सामने उनका शौचालय भी बना हुआ था। हमने उनके घर में और कई विसंगतियां भी पाए। उनके ब्रह्म स्थान में भी समस्याएं थी और सबसे बड़ी बात कि उनके घर में पितृदोष के लक्षण स्पष्ट तौर पर दिखाई दे, साथ ही साथ ही नकारात्मक घटनाओं की भी जानकारी हमें बाद में सुनने को मिली। उन्होंने खुद बताए तो हमने उनको कुछ उपाय बताए। छोटे छोटे उपाय थी तो उन्होंने 2 से 3 दिन ही उपाय कर पाए। अभी से उनको किसी ने संकेत देना शुरू किया। दोस्त हूं, यकीन मानिए, मित्रों ने उनको संकेत दिए स्वप्न के माध्यम से कि तुम ये कार्य कर रही हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे उपाय बताए थे जिससे उनके पितर ऊर्जावान होने लगे थे, तो उन्होंने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया होगा। वहीं कुछ नकारात्मक भूत प्रेत की शक्तियां भी थीं जिन्होंने उनको डराना भी शुरू कर दिया, तो उन्होंने डर कर हमसे एक बार फोन पर बात की कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं बता दिया, क्योंकि हमारे घर में तो हमें अब डर सा लग रहा है। वही हमें हर वक्त डराने की कोशिश करता है कि यह सारे काम जल्दी से जल्दी बंद कर दो। तो हमने उनसे कहा है कि जब आपकी पिच आपसे प्रसन्न है, अभी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो नकारात्मक शक्ति हैं, भूत प्रेत हैं, वह आपके घर से बाहर क्यों निकलना चाहेंगे, तो वही आपको डरा रहे हैं। आप बेफिक्र होकर अपनी क्रियाएं करते रहिए, धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आ जाएंगे, नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर भाग जाएंगे। और प्यारे दोस्तों को, वह भी यही लगभग 1 से 1.5 महीने पुरानी है बात है, और आज उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमें बताया कि अब उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। उनके बेटे और बहू बहुत ही प्रेम से उनसे अब बर्ताव करने लगे हैं। उनसे चढ़ते थे जरा सी बात पर, घर में कलेश होता था और रुपए पैसे की भी बड़ी समस्या रहती थी। वहीं अब उनके बेटे ने अपने ही व्यापार में मन लगाना शुरू कर लिया है और आमदनी भी ठीक ठाक होने लगी है। कुल मिलाकर उनकी जीवन में अब सुख और शांति का एहसास हो गया है। तो प्यारे दोस्तों की जानकारी तू करती है, बस बात यह है कि आप कितने भाव के साथ में करते हैं या फिर करते भी हैं कि नहीं करती है। प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा दिया अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर जला लेने से हमने लोगों के घर में चमत्कार होते देखे हैं, और हम आपको क्या बताएं, चित्र पूर्वजों के लिए छोटे छोटे उपाय करवा देने से ही उनके घर की दशा और दिशा बदल गई। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए, यह चीज है, कार्य करती है। बस हम इन पर यकीन नहीं करेंगे, लगन के साथ नहीं करेंगे, लंबे समय तक नहीं करेंगे, भाव नहीं रखेंगे, तब यह निष्फल हो जाती है। अब हम सोचे कि हमने 2 दिन दिया जला लिया, तीसरे दिन कहीं से हमारे घर में दौलत आ जाए तो फिर कैसे आ जाए, भरमार हो जाए तो यह तो नहीं होगा। प्यारे दोस्तों के चमत्कार तो कहीं नहीं होते, थोड़ा तो समय लगता ही है। अब यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों की उड़ जाए लंबे समय तक ठहरी हुई है, यानी बीमारी लंबी है, तो इलाज में भी थोड़ा समय तो लगेगा ही। आपको 1 महीने लगातार प्रयास करने होंगे, तब जाकर आपको परिणाम दिखाई देने शुरू हो गए। तो चलिए अब आते हैं अपने विशेष भेजों पर, जहां से हमने ज्योतिष कार्यक्रम प्रारंभ किया था। प्यारे दोस्तों, आपकी राशि में अगले 24 घंटे में एक ऐसी स्थिति बनने वाली है जब राहु एक ऐसी विशेष स्थिति में गोचर करेंगे कि आपके आसपास ऊर्जा का नकारात्मक वातावरण एकत्रित हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यकीन,
जीवन में जितनी भी महाप्रलय और बर्बादी होती हैं, उनमें राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये प्यारे दोस्तों, ज्योतिष में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई ना तारीफ, और इसका उल्टा भी है प्यारे दोस्तों कि जिसको राहु तारीफ उसे फिर कोई ना मारे। ये प्यारे दोस्तों की विशेष भूमिका होती है और यही कुर्ती के साथ आपको या तो मिटा सकता है और या फिर बना सकता है। कहते हैं ना कि रातों रात करोड़पति हो जाना, तो ये जो रात और रात वाला जो नियम है, जो संस्कार है, ये असल में राहु की ही देन है। ये बड़ी फुर्ती में आपको फल देता है और फुर्ती नहीं आपकी स्थिति बदल देता है। यह प्यारे दोस्तों, यह जितनी तेजी से यह आपके जीवन में आएगा उतनी ही तेजी से यह आपके जीवन में निकल भी जाएगा या दूसरे, लेकिन उसने में यह आपके जीवन में विनाश बहुत कुछ मजा देगा। तो अब ऐसे में आपको सतर्क होना आवश्यक है। अब प्यारे दोस्तों समझिए कि नकारात्मक शक्तियां किस प्रकार आपको प्रभावित करेंगे, आपके घर को, आपके काम धंधा व्यापार को, किसी भी जगह एकत्रित होकर आपकी जीवन की गति को रोकने की। प्यारे दोस्तों अब इनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, इन्हें आप समझिए। प्यारे दोस्तों यदि नकारात्मक शक्ति जैसे कि किसी ने कुछ किया कराया है, यानी कि टोना टोटका उपाय किया, तब भी बात वही है। किसी ने आपकी तरक्की पर या आपके किसी एक वस्तु पर या किसी भी बात से नाखुश होकर नजर लगा दी, तभी बात वही है। काम एक जैसे ही हैं, चाहे भूत आपके घर में आए, चाहे आपके ऊपर कोई नजर लगा दे या कोई तांत्रिक क्रिया करते हो, ना तो एक ही काम है और वह काम है कि आपका नुकसान होगा। तो अब यह शारीरिक क्रियाएं होती हैं, इनके कुछ संकेत जरूर मिलते हैं और जो संकेत होते हैं प्यारे दोस्तों वे धीमे धीमे बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि शुरुआत में ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। जो अनुभवी लोग हैं वह तो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, अब इसका उपचार करना होगा, और जिन्हें ध्यान नहीं है वह बस लापरवाही करते हैं, अनदेखी करते हैं, और एक दिन कुछ बड़ा अधिकारी उनके जीवन में घटित हो जाता है। तो अब आपको इन संकेतों को समझना होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके खुद के भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनसे आप नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। पुरुषों की अक्सर यह आदत होती है कि कहीं अगर जा रहे हैं, बाहर किसी काम से जा रहे हैं, तो टॉयलेट के लिए किसी भी पेड़ के नीचे चले जाते हैं। ये प्यारे दोस्तों ठीक है, आप करिए, किसी भी पेड़ के नीचे करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ विशेष वृक्ष हैं जिनका हमारे धर्म में और हमारे शास्त्रों में विशेष प्रावधान है। उन वृक्षों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उनसे बचना होगा। वह कौन से वृक्ष? पीपल का वृक्ष के नीचे आपको बिल्कुल भी टॉयलेट नहीं करनी है। दूसरा बरगद का वृक्ष, तीसरा गूलर का वृक्ष। इन पेड़ों के नीचे भूलकर भी आपको यह क्रिया नहीं करनी है, इससे नकारात्मक ऊर्जा 100% आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आप अपनी ग्रह दशा कमजोर कर लेंगे। यह प्यारे दोस्तों इन तीनों का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। अब यह एक विशेष विषय है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको हम यह बता दें कि इस क्रिया से भी भूत प्रेतों की शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, और आप स्वयं अपने घर में खुद किसी न किसी भूत को लेकर चले आएंगे, तो यह कार्य आपको थोड़ा सा सोच समझ कर करना होगा। दूसरा कार्य होता है प्यारे दोस्तों की चीजों का लेन देन बहुत है, यहां तक कि वस्त्रों का और जूतों का भी लेन देन हो जाता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से निषेध है। किसी के भी वक्त नहीं पहने हैं, अपने वस्त्र किसी को पहनने के लिए नहीं देने हैं। जो लोग काली क्रियाएं करते हैं अभी इसी मौके का पूरा लाभ उठाते हैं, इसी मौके की तलाश में रहते हैं। आपके जूतों पर, आपके कपड़ों पर किसी प्रकार का कुछ अच्छे रख देंगे और आपके ऊपर असर होना शुरू हो जाएगा। तीसरा कि अपनी कुलदेवी या फिर अपनी पितृ देवता का निरादर करना, उनके बारे में कुछ भी ख्याल ना करना, उनका सम्मान नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, उल्टा उनका निराधार करना। जब ऐसी घटनाएं, ऐसी क्रियाएं घर में होने लगती हैं, तो 100% भूत प्रेत घर में प्रवेश कर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, उस घर का विनाश निश्चित है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों अपनी पिक, पूर्वजों की तस्वीर, भगवान की तस्वीर के साथ लगा देना, यानी कि जिस अलमारी में, जिस स्थान पर भगवान की फोटो रखी हैं, मूर्तियां रखी हैं, उनकी पूजा पाठ होती है, वहीं पर अपने किसी पूर्व के पूर्वज की फोटो लगा दी। सभी भूत की शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों
यदि आपने देवी देवताओं की फोटो या तस्वीर अपने घर के दरवाजे पर लगा रखी है। ये प्यारे दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोग गणेश जी को लगा देते हैं, शंकर जी की लगा देते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तक की फोटो दरवाजे पर लगवा देते हैं, अब समझिए कि आपने इनको अपना द्वारपाल बना दिया, यानी कि अब इनकी शक्ति आपकी किसी काम आने वाली नहीं है। प्यारे दोस्तों, यह दैवीय शक्तियां हैं, पूजनीय हैं, इन्हें हम पूरे सम्मान के साथ अपने पूजा घर में रखते हैं और इनकी पूजा पाठ करके हम अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वह पूरी करना चाहते हैं। और आपने इन्हीं शक्तियों को कहां लगा दिया? अपने दरवाजे पर, यानी कि अब यह आपके द्वारपाल हो गए। तो अब ऐसे में आपके दरवाजे पर यह सच क्या कहने वाली नहीं है, यानी कि ना अब आपके घर में और ना ही आपके दरवाजे पर कोई दैवी शक्ति है, किसी का कोई प्यारा नहीं है। तो अब आपका घर एक खुला मैदान के समान है। तो अब आपके घर में भूत प्रेत नहीं आएंगे तो कौन आएगा? प्यारे दोस्तों, तो आपने यदि यह गलतियां कर रखी हैं तो इन्हें जल्द से जल्द सुधार लें। अब समझिए कि जिस घर में नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत की शक्तियां हैं, उस घर के क्या माहौल होते हैं, कैसा वातावरण होता है, तो दोस्त समझ ले, उस घर में कहीं ना कहीं सीलन हमेशा बनी रहेगी। ये प्यारे दोस्तों, हर वक्त कहीं ना कहीं सीलन रहेगी ही, आप कितना ही इंतजाम करवाइए सीलन नहीं जाएगी। दूसरा, उस घर में जो नल है, यानी पानी के जो नल है, भी हमेशा खराब ही बने रहेंगे। आप कितना ही रिपेयर कराई है, आप नया भी लगाएंगे तो कुछ दिन में वह जिसने लगेगा, यानी कि जल बाहर जाने लगी का नल की टोटी आंख खराब बनी रहेंगी। तीसरा, कि उस घर में जो मुख्य इंसान है, यानी कि मुख्य आदमी किसे कहेंगे, जो पैसे कमाता है, जिससे वह घर चलता है, उस आदमी का दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, वह नकारात्मक वातावरण में रुचि लेने लगेगा, नकारात्मक कार्यों में डूबने लगेगा और अपने मुख्य कार्य से और अपने घर के लोगों से दूरी बनाने लगेगा। यह प्यारे दोस्तों, अच्छी बड़ी बात पर झगड़ा करेगा कि रोज करेगा, जुआ शराब आदि गतिविधियों में डूबने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्यारे दोस्तों, जो कि नकारात्मक शक्ति के होने का बहुत बड़ा प्रमाण है, वह यह है कि नींद आने कम हो जाएगी, खास तौर से जिसके ऊपर यह नकारात्मक शक्ति हावी है। क्योंकि घर में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वे पूरे घर को चपेट में नहीं लेती, घर के किसी एक सदस्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती हैं। और अधिकतर यह वही इंसान होता है जो उस घर को चला रहा होता है, यानी कि उस घर में कमाओ इंसान होता है, उस घर की आधारशिला होता है, उस पर हावी हो जाती है और फिर उस इंसान का स्वभाव बदलने लगता है, उसे नींद लेने में समस्या आने लगती है, नींद आती ही नहीं है और आईडी भी तो वह डरावने सपने देखकर चल जाएगा, पसीने पसीने हो जाए। तू तो उस इंसान में से एक अजीब सी दुर्गंध भी आने लगे, कि ऐसा भी देखा गया है कि जिस घर में नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत की शक्तियां हैं, उस घर में किसी न किसी प्रकार की दुर्गंध अवश्य आती रहती है। और सबसे बड़ा एक संख्या और भी है प्यारे दोस्तों, की उस घर की महिलाओं को बहुत अपमानित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। ये प्यारे दोस्तों, यदि यह सारी संकेत आपको दिखाई दे तो यह शुरुआती संकेतों अंतिम संकेत नहीं है, शुरुआती संकेत हैं, अंतिम तो फिर बहुत विनाशकारी हैं, उनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल शुरुआती संकेत आप समझिए, और अब आप इन संकेतों को समझने के बाद में तुरंत सतर्क हो जाइए। तो अब आपको क्या करना है आप समझिए, छोटे छोटे उपाय हैं, यदि आप इन उपायों को कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होगी उससे मुक्त हो जाएगा, चाहे वह नजर को अला बला, टोना टोटका या किसी का किया कराया किसी प्रकार का तंत्रिका का लिख लिया हो, आप हर चीज से मुक्त हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्या है बकरी, आपको एक काम करना है, रुई की बाती लेनी है और उस रुई की बाती को आप और सरसों के तेल में दबा लेना है। सरसों के तेल में डुबाने के बाद आपको अगर लगता है कि इस इंसान के ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है या इस पर कोई हावी है, इसका मूल अचानक बदल गया है, आपको अगर शक है उसके ऊपर यह नजर वगैरह लगी है, तो आपको उस इंसान के ऊपर से वह हुई कि जो बाकी है सात बार खड़े, मैं उस आर्मी है। ये प्यारे दोस्तों कैसे, यानी आप उसके सिर से शुरू करेंगे और पैरों तक ले जाएंगे, तो फिर पैरों से शुरू करेंगे और शतक लेकर आएंगे। अब यह आप घड़ी की दिशा में करेंगे, यानी क्लॉकवाइज करेंगे,
रात भर आप इसे गुस्सा देंगे और जब आखिरी चक्कर आप कर रहे होंगे तब आप इस रुई की बाती को उसके माथे से और उसके पैरों के अंगूठे से छुआते हुए निकालेंगे, यानी कि टच हो जाएगी तो समझ रहे होंगे आपकी क्या करना है या नहीं। आखिरी चक्कर में उसके माथे से और उसके अंगूठे से यह बातें हो जाएंगी और उसके बाद आप इस बातों को लेकर अपने घर के दर बाजी पर आ जा, यानी कि घर के ठीक सामने रखकर इस बातों को आप जलाते। जी हां प्यारे दोस्तों, अब आप देखेंगे कि यदि इंसान के ऊपर कोई काली शक्ति हावी है, नजर या कोई टोना टोटका या फिर किसी प्रकार का कोई उपचार है, तो ये बातें बड़ी, मतलब इसमें से जो अग्नि निकलेगी, झोला निकलेगी, वह बहुत फड़फड़ाए की बात हुई, आपको फरफर आती हुई सी महसूस होगी, यानी कि उसकी लॉ जो है वह शांति से नहीं चलेगी और बाती की लोफर पढ़ाती हुई रहेगी। बाकी भी स्वयं आपको हिलती ढलती और प्रकृति सी महसूस हो कि ऐसा आपको देखना है, वहां पर खड़े होकर यह इस बात का प्रमाण होगा कि इस इंसान के ऊपर तांत्रिक क्रिया यह कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी है। अब आपको यह क्रिया रोज दोहरानी है। रात्रि के समय आप कोशिश करें कि जब आप इस बात की को जला रहे हो तो कोई आपको देखे ना, प्यारे दोस्तों गुप्त है ये क्रिया, तो आप इस क्रिया को रोज करें। अब आपको ये किया 6 से 7 दिन लगातार करनी होगी, फिर आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप बाती को जलाएंगे तो बात ही पूरी जल जाएगी और बिल्कुल भी इसकी लौक फड़फड़ाए कि नहीं और ना ही बात फड़फड़ाए कि शांतिपूर्वक जल जाएगी। जिस दिन ऐसा जल जाए उस दिन आप समझ जाएं कि इस इंसान से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली गई है, दूर हो गई है। आप देखेंगे कि ऐसे ही आप यह क्रिया शुरू करेंगे, उस इंसान के स्वभाव में दूसरे दिन से ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब यह तो हो गया कि उस इंसान के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक शक्ति को हटाने का तरीका। अब आपके घर में भी यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में होम कर सकते हैं। ये प्यारे दोस्तों, अब आप समझिए कि होम की क्रिया क्या होगी। छोटी सी क्रिया है, बस आप ध्यान से इसे समझिए। आपको गाय के गोबर का उपला लेना है, जो गोबर के उपले बनते हैं उसे आपको लेना है, गाय का होना चाहिए। अब उस उपले को आप जलाएंगे। आप यह क्रिया किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है, बस इसी आपको शाम के समय करना है। गोधूली के समय आपको गाय का वही उपला इतना गर्म करना है कि वह लाल हो जाए या प्यारे दोस्तों यह पूरी तरह से अग्नि पकड़ा दे। अब इसे आपको किसी प्लेट के ऊपर रखना, स्टील की प्लेट भी हो सकती है, लेट के ऊपर रखना है और इसे अपने आंगन में यानी ब्रह्म स्थान में रख दें। अब इसके ऊपर आपको एक लौंग का जोड़ा रखना है या प्यारे दोस्तों थोड़ा कपूर रखना है, थोड़ा सा लोबान रखना है, थोड़ा सा गूगल रखना है और थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी इसके ऊपर आपको डाला है। अब आप जब ये सब करेंगे तो धीरे धीरे उसमें से धुआं उठना शुरू होगा। अब ये धुआं आपके घर में पहले का आपको कुछ भी नहीं कर रहा, न कोई मंत्र उच्चारण करना है, न किसी का आवाहन करना है, बस आपको इस दुख को पूरे घर में फैलने देना है। जैसे जैसे यह तो आपके घर में पहले का आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा ऐसे भागेंगे जैसे कि आपने उनके पीछे कोई महासती लगा दी है, जिसे हम कहते हैं। अब होम का महत्व है, हीरो में बहुत मिलता है। आपने हवन तो सुना ही होगा, हवन का यह छोटा रूप है जिसे हम कहते हैं। यह घरेलू प्रक्रिया है और इसे कभी भी किया जा सकता है। अब हमें किसी का उच्चारण करने की, आवन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि सर्वप्रथम तो हम अग्निदेव का शुद्ध स्वरूप है, यानी कि अग्निदेव की प्रचंड शक्ति को लेकर अपने साथ रखता है। दूसरा, यह गाय के ऊपर गाय के घी से किया जाता है और गौ माता की अंदर संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार आपको किसी भी देवी देवता के आवाहन की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण देवी देवता वहां अपने आप ही आ जाते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर अपने आप ही आ जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको यह होम भी नियमित करना है, लगभग 6 से 7 दिनों तक। इसके बाद आप जैसे ही यह होम करना शुरू करेंगे, आप यकीन मानिए कि दूसरे दिन से ही आप पर इस चमत्कारी परिणाम अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो हिंदू क्रियाओं को तो आपको करना ही होगा, मेहनत तो करनी ही होगी दोस्तों, बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा। और आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। खेत जाने की मेहनत तो आप करेंगे, आज नहीं करेंगे,
हमारे कहने से तो कल जब आप भारी नुकसान उठा लेंगे, अब किसी न किसी के कहने से करेंगे तो क्यों ना पहले ही कर लिया जाए और सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ जाए तो क्यों नुकसान होगा। क्यों परेशानी जीवन में आए तो यह तो आपको हमने बता दिया कि कोई नकारात्मक क्रिया तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करता है तो आप पहले से ही उससे बचाव कैसे कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह योग है। प्यारे दोस्तों, राहु एक ऐसे भाव में गोचर कर रहा है जो आपको विशिष्ट नुकसान पहुंचाएगा, भूतों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, आपकी स्वयं की बुद्धि को भी हर लेगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि की स्थिति पर आपको ले जाएगा। याद रखना, किरदारों के पास केवल सिर है, सही नहीं है, ये दिमाग का बड़ा ही शातिर है। आपके हाथों कुछ ना कुछ अनिष्ट करवा देगा, बाद में आप पछताएंगे भी तो फिर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बताने वाली इंसान के हाथ में क्या रहता है, इससे बाएं प्रसादी की कुछ कर भी नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप इन उपायों को करें। अब एक और उपाय है जो आपको नित्य करना है, कम से कम अगले 6 से 7 दिनों तक और उपाय है। हनुमान चालीसा का पाठ घर से बाहर निकलते समय माथे पर लाल टीका और जेब में लाल संभाल जा। प्यारे दोस्तों, इस उपाय को आपको नित्य करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोज करना है। सुबह जाकर नहा धोकर पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपको राहु बिल्कुल भी पीड़ित नहीं कर पाएगा। अब यदि आपके मन में इन सब बातों के लिए कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें। और हाँ, एक बात हम आपको बताना भूल गए कि जिन लोगों ने अपना नाम और स्थान हमें भेजा था उनके लिए इस शनिवार को माता की जो सर्व मनोकामना पूर्ति खबर है उसमें आहुति करवा दी जाएगी, उनके नाम से होती हो जाएगी और माता की पवित्र ऊर्जा उनके पास बहुत जल्दी पहुंचेगी, माता की पूरी कृपा उन्हें प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं कमेंट में। भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गा रक्षा करो, जय मां दुर्गा कृपा करो अवश्य लिखें। ज्योतिष कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता की।